सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले पार्किंग के रेट में बताता हूँ, तो 20 रुपये यहाँ पे पार्किंग देनी है आपको। और ये पार्किंग का पूरा एरिया है, यहाँ पूरी पार्किंग है कार की और अपनी बाइक वगैरह की। ये भी एरिया है पार्किंग का, यहाँ से इस रास्ते से अपन आए थे। अगर आप लोगों को लेक जाना है भाई तो वो वाला रास्ता ले लेना, बाकी मेन मंदिर के लिए ये वाला रास्ता जा रहा बिल्कुल स्ट्रेट। और मंदिर के अंदर यार कोई भी एंट्री फीस वगैरह नहीं है, बाकी जूते चप्पल उतारने होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बाहर एक अंकल खड़े होते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को पर ग्रुप वो 10 रुपये चार्ज करते हैं, तो आप 10 रुपये दे देना, क्योंकि वहाँ यार बंदर वगैरह होते हैं तो थोड़ा देख रेख कर लेते हैं वो। तो यहाँ का ये सारा का सारा यहाँ पे भाई पैसों का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो भाई ये है करीबन 500 मीटर की चढ़ाई, और जो चढ़ाई है यार काफ़ी पत्थर पत्थर है टेढ़े मेढ़े, और ये रास्ता जा रहा देखो ऊपर, और ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना यार इसी के नीचे केव्स हैं, वो देखो वो एंट्री है भाई केव की, पहली एंट्री दिखी। अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते, आ जा आओ रेस्ट करेंगे। तो भाई अभी यहाँ पे वैसे तो एंट्री फीस का मना किया था, एक बार इन अंकल से पूछते हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कुछ तेल कनाडा में। या एंट्री सो डू वी नीड टू पे सम एंट्री फीस? एंट्री फीस नहीं, नो एंट्री फीस। तो भाई यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, और ये कह रहे कि ये जो पीछे केव है ना वो रास्ता है अंदर का, तो अभी अंदर चलते हैं। भाई यहाँ जूते वूते उतार लेना, आपने दर्शन से पहले चप्पल उतारनी है भाई। जो आप पीछे देख रहे हो ना भाई वहाँ पे आप लोगों को शूज़ वगैरह उतारने, और अभी शूज़ उतार लिया अपन ने, और यहाँ से एंट्री अपनी मेन एंट्री। और देखो यार वैसे तो यहाँ पे 4 गेट है, ठीक है, एक खुला हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, बट अभी के लिए 1 गेट ओपन है, तो वहीं से अपन लोगों को एंट्री करनी है और वहीं से एग्जिट होगी। तो गाइस हर हर महादेव, हम पहुंच गए भाई अपनी केव्स की बिल्कुल एंट्री पे। और देखो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा भाई केव्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ से एंट्री और ये पहला गेट है, यहाँ पे 3 गेट और हैं आगे, बट अभी के लिए 1 गेट ओपन है। तो अभी अपन अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर क्या सिचुएशन है। बाकी अंदर भाई बिल्कुल आवाज़ ना यार ईको कर रही है, एकदम बहुत फुल वाली ईको कर रही है, तो चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, ये पूरी भाई एंट्री देखो भाई साहब, भाई बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची केव है, मतलब पूरा भाई हॉल टाइप है, और कम से कम यहाँ मेरे को लग रहा है 30 फुट के आसपास भाई इसकी पूरी हाइट है, 30 फुट इसकी हाइट लग रही है मेरे को। और ये देखो यहाँ पे भाई पूरी की पूरी कनेक्शन वगैरह दे रखे हैं, लाइट वगैरह है थोड़ी बहुत, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये पूरा भाई हवन कुंड है यहाँ पे, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लकड़ी वगैरह भी रखी हुई है, तो यहाँ पे भाई हवन होता होगा। और अभी यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो फ्लैश लाइट मैंने ऑन कर दी है, और भाई ये तो भाई हवन कुंड भी बहुत ज़्यादा गहरा है, ये हवन कुंड भाई बहुत ज़्यादा गहरा है। और यहाँ पे यार वेंटिलेशन के लिए देखो यहाँ पे धुआं निकालने के लिए ये लगा रखे हैं लोगों ने एग्जॉस्ट वगैरह, और भाई बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा, पूरी धुंध हो गई है इस टाइम पर। तो अभी अपन आगे चलते हैं, और यहाँ पे भाई मतलब आवाज़ ना बिल्कुल ईको कर रही है यार, देखो ऊपर तक ना वहाँ तक हाइट है पूरी, ठीक है, सीढ़ियों से नीचे आते हैं और यहाँ पे हवन कुंड, अब आगे चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। जय श्री राम, अरे सो गाइज यहाँ पे देखो पूरी स्टेज टाइप बना रही है, ये देखो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे शायद सत्संग वगैरह होता होगा, तो पूरी सीढ़ियाँ बना रखी हैं, और इसकी हाइट देखो बहुत ऊंची हाइट है। ये देखो ये पूरी स्टेज है, और ये पूरा बैठने का रास्ता है, यहाँ बैठ सकते हो, वहाँ से आगे जाके यार मंदिर है, बट मंदिर में यार फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन हमने बंद कर दिया था। ओ भाई हनुमान जी, जय श्री राम। सो गाइज अभी थोड़ी सी धुंध छटी है, और ये देखो पूरा भाई ऊपर तक एकदम केव्स, और ये सभी लोग अभी भाई यहाँ से यूँ जाएंगे, और ये है मेन एंट्री, और एग्जिट है भाई उस वाले गेट से लास्ट वाली गाड़ी, सोडा पानी सब मिलेगा, सब मिलेगा भाई, ये निशानी होती है भाई दिल्ली की गाड़ी। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।